समुद्र मंथन से जुड़ी कहानी। आखिर क्यों हुआ था समुद्र मंथन? समुद्र मंथन की विशेषताएं क्या थी? क्या है समुद्र मंथन के 14 रत्नों का राज? आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आज इन तीन सवालों के जवाब जानते हैं। समुद्र मंथन, जिसका नाम सुनते ही देवों के देव महादेव के नीलकंठ होने की याद आ जाती है, क्योंकि समुद्र मंथन में निकले विष को पीने के कारण ही उनका कंठ नीला हो गया था। समुद्र मंथन में निकले अमृत को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु को मोहिनी अवतार लेकर राक्षसों से अमृत लाना पड़ा था। लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि आखिर क्या कारण था कि देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा था। एक बार महर्षि दुर्वासा वैकुंठ से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एरावत हाथी पर बैठे भगवान इंद्र को कमल के फूल की माला भेंट की, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने वह माला एरावत के सर पर फेंक दी। एरावत ने माला को अपने पैरों से कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दिया। इस श्राप के कारण इंद्र ने स्वर्ग का राज्य खो दिया। राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। स्वर्ग का राज्य फिर से पाने के लिए इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को समुद्र मंथन करने और उससे निकलने वाले अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए कहा। यह काम केवल देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए इंद्र ने राक्षस राजा बलि को समुद्र मंथन करने के लिए राजी किया। समुद्र मंथन की विशेषताएं आखिर क्या थी? समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। विष्णु भगवान ने कुर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाए रखा। दानवों ने नाग के मुख की ओर रहने का फैसला किया और दूसरी तरफ से देवता खड़े हुए। देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। क्या है समुद्र मंथन के ये 14 रत्न? हलाहल विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले भयानक जहर निकला, जो कि हलाहल कालकूट विष था। यह विष के निकलने से देवताओं और दानवों में अफरा तफरी मच गई। इस विष को लेने के लिए ना तो देवता ना ही कोई दानव तैयार था। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में ग्रहण किया और इसी के कारण उनको नीलकंठ कहा जाता है। कामधेनु। विष के निकलने के पश्चात इसमें से कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गायों की प्रजाति में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह कामधेनु गाय भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों को दे दी, क्योंकि इससे यज्ञ इत्यादि की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थी। कामधेनु गाय के द्वारा यज्ञ हवन इत्यादि के लिए घी, दूध, मल मूत्र इत्यादि सभी उपयोगी थे। उच्चैश्रवा घोड़ा। इसके पश्चात इसमें से एक उच्च श्रेणी का घोड़ा निकला, जिसका नाम उच्चैश्रवा था। यह एक श्वेत सफेद रंग का घोड़ा था, जो आकाश में उड़ भी सकता था। यह 7 मुख वाला अद्भुत घोड़ा था, जिसे राजा बलि ने प्राप्त किया। एरावत हाथी। यह एक श्वेत रंग का अद्भुत हाथी था, जो सभी हाथियों में सबसे महान और उनका राजा था। यह भी आकाश में उड़ने की क्षमता रखता था। यह देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ले लिया था। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने एरावत हाथी के सहारे कई युद्ध लड़े और जीते। कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि सभी आभूषणों तथा रत्नों में सबसे अनमोल है। इसका प्रकाश इतना दिव्य तथा तेज था कि चारों ओर अलौकिक प्रकाश की ज्योति छा गई। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। कहते हैं कि अब यह मणि फिर से समुद्र की गहराइयों में चली गई है। कल्प वृक्ष। यह एक दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष था। इस वृक्ष के अंदर कई गंभीर बीमारियों को सही करने की शक्ति थी। यह वृक्ष भी देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में सुरकानन नामक स्थल पर लगा दिया था। इसी वृक्ष की औषधियों को बाद में मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग में लाया गया। रंभा अप्सरा।
इसी समुद्र मंथन में सुंदर वस्त्रों तथा दिव्य आभूषणों को धारण किए हुए एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे रंबा नाम दिया गया। इसे देवताओं को सौंप दिया गया तथा बाद में ये देवराज इंद्र की राजसभा में मुख्य नृत्यांगनी बन गई। देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु के द्वारा समुद्र मंथन का एक प्रमुख उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना भी था। जब वे सृष्टि के संचालन में व्यस्त थे, तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। जब समुद्र का मंथन हुआ, तब देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई। उन्होंने बाहर आने के बाद स्वयं जाकर भगवान विष्णु का चयन किया। वारुणी। समुद्र मंथन से अथाह मात्रा में मदिरा की उत्पत्ति हुई, जिसे वारुणी नाम दिया गया। वरुण का अर्थ है जल, इसीलिए समुद्र के जल से निकलने के कारण इसका नाम वारुणी रखा गया। भगवान विष्णु के आदेश पर इसे असुरों को दे दिया गया। चंद्रमा। इसी समुद्र मंथन में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। वह जल से निकलने होने के कारण ही इसे जल का कारक भी कहा जाता है। इसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। पंचजन्या शंख। समुद्र मंथन के दौरान पंचजन्या शंख की उत्पत्ति हुई, जो सभी शंखों में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। यह शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ तथा यह मान्यता है कि जहाँ शंख होता है, वही माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इस शंख की ध्वनि को अत्यधिक शुभ माना गया है। पारिजात। समुद्र मंथन के समय एक और दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष निकला, जिसे पारिजात वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष इतना ज्यादा चमत्कारी है कि इसको छूने मात्र से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। देवी देवताओं की पूजा के समय पारिजात वृक्ष के पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। शारंग धनुष। यह एक चमत्कारी धनुष था जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। भगवान धन्वंतरी तथा अमृत कलश। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए। वे अमृत को असुरों से बचाने के उद्देश्य से आकाश में उड़ गए, लेकिन असुरों ने अपनी तेज गति तथा शक्ति से उन्हें पकड़ लिया तथा अमृत कलश छीन लिया। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। जिस समय भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो देवताओं की पंक्ति में स्वरभानु नाम का एक राक्षस भी वेश बदल कर बैठ गया। धोखे से कुछ बूंदे स्वरभानु ने भी पी ली, लेकिन तभी सूर्य और चंद्रमा इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को दे देते हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पी लेने की वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसका शरीर दो भागों में बट गया। सिर वाले हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु बन गया।